कि जावेद ने सरेंडर कर दिया है। बरेली में आरोपी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। आरोपी जावेद ने कहा है कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो डर कर दिल्ली भाग गया था और उसके बाद में वापस वो पहुंचता है बरेली और बरेली से गिरफ्तारी हुई है। सामने ये वीडियो भी आया जिसमें उसने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और साथ ही मैं निर्दोष हूँ, मैंने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। और साथ ही उसने ये भी कबूल किया कि जिस घर में हत्याकांड हुआ है, मर्डर हुआ है, उस घर के लोगों से ताल्लुकात बेहद अच्छे थे। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। बदायूं में दो मासूमों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोनों मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। साजिद ने आयुष और अहान पर 24 वार किए थे। गला काटने के बाद में सीने, पीठ और हाथ पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। आयुष के शरीर पर 14 जगह पर, आहान के शरीर पर 9 जगह पर घाव के निशान मिले हैं। आरोपी साजिद की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मुठभेड़ में आरोपी साजिद के शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और दूसरी तरफ एक आरोपी का एनकाउंटर, दूसरे की गिरफ्तारी भी हो गई है। लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा था, लेकिन अब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद में परिवार वाले और साथ ही आसपास के जो लोग थे वो काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ये सामने आया कि कई बार वार किए थे। वहीं दूसरी तरफ आप परिजनों की तस्वीरें भी देखिए, मातम का माहौल पूरे घर में पसरा हुआ है। दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक क्या कारण था इस हत्याकांड का वो फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दूसरा आरोपी अब गिरफ्तार किया गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि जब उससे पूछताछ होगी तो इस सवाल का जवाब भी पुलिस को मिलेगा। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें जावेद इस बात से इनकार कर रहा है कि उसको कोई भी जानकारी नहीं है कि हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया। दोनों मासूमों की हत्या के बाद में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे कारण क्या था। ना पुलिस कुछ कह पा रही है और ना ही लोगों को कुछ पता है। चार थ्योरी इस कत्लकांड के पीछे बताई जा रही है, वो भी आपको बताते हैं। पूरे देश में इस वक्त बदायूं में हुए डबल मर्डर की चर्चा हो रही है। दो मासूम बच्चे को पड़ोस की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद ने गला रेत कर मार डाला और जवाब में पुलिस ने आरोपी को मार गिराया। लेकिन अब तक एक ही सवाल हर तरफ कौंध रहा है कि आखिर मासूमों का कत्ल क्यों। ये पूरा घर है, इसी घर में उनकी तीसरी मंजिल पर उसको मौत के घाट उतारा था। वहीं रात देर रात पुलिस ने इसमें एनकाउंटर कर दिया और नाई को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस का अभी जो नई चीज़ सामने आ रही है उसमें पुलिस इस एंगल को देख रही है, कहीं कोई किसी से अवैध संबंध तो नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, या जो है पैसे के लेन देन का चीज़ें तो नहीं है। इन चीज़ों को लेकर वो पुलिस इस एंगल को देख रही है। फिलहाल दोनों बच्चों का जो है दाह संस्कार कर दिया गया है। अब हम आपको एक ऐसी ही गवाही सुनाने वाले हैं जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बदायूं में जिन दो बच्चे की बेरहमी से गला रेंग कर हत्या हुई उनकी दादी ने घटना की पूरी हकीकत बयां की।
उससे जे पूछी जाए हमारे जे उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए, हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे, उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलकर। अलग अलग कत्ल की अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन कातिल के मुंह खोलने से पहले ही उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे मासूमों के कत्ल का सच सामने आएगा, कैसे साजिद के साथ दफन हो चुका राज बाहर आएगा। हालांकि अब तक कत्ल की 4 अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, तंत्र मंत्र के लिए कत्ल। थ्योरी नंबर 2, अवैध संबंधों का पता चलने पर हत्या। थ्योरी नंबर 3, किसी रंजिश के चलते हत्या। थ्योरी नंबर 4, पैसों के लेन देन में बच्चों का कत्ल। पैसों के लेन देन की बात बच्चों की माँ भी स्वीकार रही है। तो क्या तंत्र मंत्र की वजह से हुई दो मासूमों की हत्या? तो क्या औलाद की चाह में माँ के दुलारों को मार डाला? बदायूं में मासूम भाइयों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला पर्दाफाश किया बच्चों के पड़ोसियों ने। आरोपी की दुकान और पीड़ित का घर आमने सामने है, जाहिर है वहाँ रहने वाले लोग दोनों को बखूबी जानते हैं। पड़ोसी है तो घर से परिवार तक के हालात की भी पूरी जानकारी रखते हैं। और इस मामले में एक जानकारी ऐसी है जो इस डबल मर्डर की वजह हो सकती है, वो वजह जिसका जिक्र पहले एक पड़ोसी ने किया फिर मासूमों की दादी ने भी किया। इन लोगों का रोजा चल रहा है तो इसके जो अभी नई नई इसकी शादी हुई इसके क्या नाम बच्चे एक भी मर्द वो जीवित नहीं रहते थे, तो किसी तानरकी ने बोला था क्या नाम है किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। चर्चा लोग कुछ कह रहे हैं क्या मालूम है या ना है। हमारे बच्चे को रह गए तंत्र करने को, अरे हमारे बच्चे नहीं थे उसी के बच्चा था, अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्र करता किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं, सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है अपनी मेहनत से, किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं, जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी चीज मिलती है। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए, हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे, उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलकर। कत्ल की वजह यही है फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन आरोपी के बारे में पड़ोसी की कई बातों में शुरुआती सच्चाई है। मसलन साजिद पीड़ित के घर मदद मांगने गया था और उसने 5,000 रुपए की मांग की थी। साजिद ने बताया था कि उसे पैसे लेकर रात 11 बजे तक अस्पताल पहुंचना है जहां उसकी पत्नी भर्ती है और उसे डिलीवरी होनी है। खबरों के मुताबिक साजिद ने ये भी बताया था कि इससे पहले भी 5 बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन हर बार डिलीवरी से पहले अबॉर्शन कराना पड़ा। तो ये साजिद के पारिवारिक हालात थे, उसकी कोई औलाद नहीं थी और कई कोशिशों के बावजूद उसकी पत्नी को 5 बार अबॉर्शन कराना पड़ा था। हालांकि ऐसे हालात की वजह से उसने तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर दो मासूमों को मार डाला ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसको भी पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसी वारदातों की कोई कमी नहीं है। तंत्र मंत्र के जाल में अब भी कई लोग फंसे हैं, तो कई तांत्रिक ऐसी किसी भी तकलीफ का समाधान करने का दावा करते रहते हैं, तो इस बार भी इसकी आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। पहले भी खुद के बच्चे की चाहत में दूसरों के जिगर के टुकड़ों के कत्ल की बात हम सुनते रहे हैं। खैर पुलिस कत्ल की वजह तलाश रही है। इसके अलावा साजिद के चाचा और पिता को भी अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस कत्ल के हर पहलू को खंगाल रही है, जल्द ही वो सच सामने होगा जिसे हर कोई जानना चाहता है। बदायूं से न्यूज 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में दो बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद की पत्नी का बयान सामने आया। साजिद की पत्नी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि आरोपी ने पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बहाना बताकर पैसे मांगे थे। अब पत्नी के इस खुलासे में केस में एक नया मोड़ आ गया है और जो एक एंगल था जिसकी जांच की जा रही थी वो भी काफी हद तक क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार आपकी कब बात हुई थी, क्या बातचीत हुई? 8 दिन हो गए तब बात हुई। क्या बातचीत हुई, कुछ
घर से पूछ रहे थे और क्या बात होती। आपको कब पता लगा ये बच्चों के बारे में, साजिद के बारे में कुछ जानकारी? सुबह पता लगा। उनका कहना है कि आप गर्भवती थी जो FIR में, क्या आप गर्भवती हैं? गर्भवती नहीं है। साजिद ने कहा 5,000 रुपए लेने गया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है आज, ऐसी कोई बात है ही है ना? तो तंत्र मंत्र भी कत्ल के पीछे एक वजह हो सकती है। अब ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि न्यूज 18 ने यह दावा किया है। अब पूरी घटना कब कैसे हुई है इसे भी एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझते हैं। मेरे आयुष को ले गया ऊपर, अकेले काट दिया, फिर ले गया आन से मंगाया पानी शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला जे चीख जे गया छोटा वाला बीच वाला, चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो, तब ही उसका मुंह ऐसे पकड़ लिया इसका, इसने जो ऐसे धक्का मारा गिलास टूट गया, कांच का शराब पी थी, बुलेट पे वो फिसल गया, तभी जो भागा है। जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी गोलों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए, हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे, उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलकर मांगे 5,000 भाभी, जावेद ने अब आने पैसा मांगे, हमारी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, दादे 11 बजे को टाइम दो डिलीवरी होने, तो हमने इनके पापा से फोन करो आई उसके, तो बोले दही दो कोई बात नहीं, वो दही देगो सवेरे सही लड़का है, मैंने 5,000 निकाले दुकान में से, हमने दही दे बहु वहाँ से आओ इधर ऐसी यहाँ खड़ो, यहाँ से यहाँ खड़ो रहो कुल देर, जब बोलो टाइम पास ना रहो फोन लगा रहो बेबे लगा रहो, जो कत कत बालकन बहला चलो गो दुकान मुझी गो वहाँ वहाँ देखो वहाँ बाजे करके फिर बुलाई गो छत पाए छत पाने पे कतरी से काटे दोनों मारे दोनों पे कतरी से काटे दोनों।